ये है एंटीलिया टावर्स और उसी के सामने है ना यहाँ पर देखो ये पूरा भंडारा ऑर्गेनाइज किया है। फर्स्ट जून से लेकर है ना 15 जुलाई तक यहाँ पर पूरा भंडारा ऑर्गेनाइज किया है। ये भंडारा है ना दोनों यहाँ पर हजारों लोग आकर खाना खाते हैं। ये पूरा अनंत अंबानी ने, मुकेश अंबानी ने यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाया। गाइस आज के ब्लॉग में मैं आया हुआ हूँ मुंबई की अल्ट माउंट रोड पर और मेरे पीछे जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हो पूरी की पूरी, ये अंबानी जी की बिल्डिंग है और ये पूरी सजाई हुई इसलिए क्योंकि अभी है ना अनंत अंबानी की शादी चल रही है। काफी टाइम से देख रहे होंगे कि यहाँ पर काफी महीनों से है ना यहाँ पर अनंत अंबानी की शादी की तैयारियां चल रही है और काफी प्री वेडिंग्स भी काफी सारी चल रही है और काफी लोग ये भी सोचते हैं कि वो लोग इतना ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, लेकिन देखो वो लोग खर्चा कर रहे हैं वो खुद के पर्सनल के लिए कर रहे हैं और ऐसा नहीं है वो लोग है ना चैरिटी भी इतनी ज्यादा करते। आप जो ये तरफ पूरी लाइन लगी हुई देख रहे हो ना, तो यहाँ पर 40 दिन से है ना भंडारा चल रहा है। फर्स्ट जून से लेकर है ना 15 जुलाई तक यहाँ पर पूरा भंडारा ऑर्गेनाइज किया है। ये भंडारा है ना दोनों टाइम चलता है यहाँ पर और अभी शाम के 7 बजे ये स्टार्ट होता है और देखो अभी मैं आपको इसके अंदर ले चलता हूँ और वहां पर भी दिखाता हूँ। तो ये है एंटीलिया टावर्स और उसी के सामने है ना यहाँ पर देखो ये पूरा भंडारा ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ पर सभी लोगों को लाइन से खाना दिया जा रहा है और देखो यहाँ पर हजारों लोग आकर खाना खाते हैं। ये पूरा अनंत अंबानी ने, मुकेश अंबानी ने यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाया है और आप फूड की क्वालिटी देख सकते हो। फूड की क्वालिटी ऐसे कुछ नहीं है कि लो क्वालिटी का फूड होगा, ये एकदम फ्रेश है और एकदम A1 क्वालिटी का फूड है और आप देख ही सकते हो काफी सारे लोग अभी यहाँ पर आए हुए हैं खाना खाने के लिए। ये सारे लोकल लोग हैं यहाँ पर जो काम करने वाले लोग रहते हैं आसपास के एरियाज में जो काम करते हैं और जो जरूरतमंद लोग रहते हैं वो यहाँ पर आकर दोनों टाइम खाना खाते हैं और वो अनलिमिटेड खाना यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर चैरिटी भी इतनी ज्यादा करते हैं वो लोग, देखा है आपने यहाँ पर कितने टाइम से है ना भंडारा चल रहा है जहाँ पर है ना यहाँ के आसपास के जो वर्कर्स है, लोकल्स है और काफी सारे यहाँ पर जो काम करने वाले लोग रहते हैं वो भी है ना यहीं पर आकर खाना खाते हैं। ऐसा नहीं है फूड की क्वालिटी कुछ भी थोड़ी लो रहती है, हाई क्वालिटी का फूड रहता है यहाँ पर। अंदर आओ।